फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग हरिओम। मैं सलोनी, सलोनी विजय ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हो गई सवेरे सवेरे मेरी किचन की सफाई। आज सवेरे सवेरे मैंने किचन की इसलिए धुलाई कर दी कि नवरात्रि लगने वाला है और आज है पति देव की छुट्टी, तो आज अभी नाश्ता बनाना नहीं था। ऐसे जैसे हमने पहले सफाई किया है और अब बना रहे हैं पति देव के लिए लोटा में चाय, और चाय बना के उसके बाद हम धोएंगे कपड़े। तो बने रहिए ब्लॉग में एंड तक, और से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल बनना है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, काम हो चुका ख़त्म, कपड़े भी धुल गए और जल्दी से हमने जाके पोछा भी लगा दिया। और पतिदेव शर्ट की जेब में कुछ थोड़े से पैसे रखे थे तो भीग गए उनके और गुस्सा के। इससे बड़ी जल्दी उठाती हो, खाने रहे थे, बटोर रहे थे, कागज खराब कर दिया हमारा, उठा रहे, देखते नहीं हो पहले जेब, कपड़े भी कौन पैंट देखे थे, शर्ट नहीं देखे थे, शर्ट में क्यों रखे थे पैसे? आके बड़बड़ा के गुस्सा के पैसे लेके चले गए और हम उठा ही रहे थे क्योंकि वो रख के गए थे, आए थे जेब में से निकालिन था, जेब में से निकाल के मैंने टंकी पे रख दिया था और आके हमसे पूछे, फिर उसके बाद उठाएँ, उठा के यहाँ पे सजा दिए धूप में और वो सूख गया तो उड़ गया, तो वही हम उठा रहे थे तो आके गुस्सा कर रहे थे कि देखती नहीं हूँ। देखा था मैंने, देखते हैं हम, बट शर्ट में तो रखते नहीं है तो शर्ट में ध्यान नहीं दिया हमने, तो धो डाला पैसा भी किया तो क्या हो गया, सूख भी तो गया, सूख के सुखा के मैंने दे दिया, मैंने क्या सुखाया, बेचारे खुद ही रखीन था, जब जो भी हो सूख गया, फटा नहीं, ख़राब नहीं हुआ, सूख गया, लेके चले भी गए और थोड़ा सा बड़बड़ा के भी गए। सो काम हम ख़त्म हो चुका है, अब चलते हैं, चलते हैं नीचे का काम देखते हैं क्या बनाना है, क्या करना है, बाबू भी सो रहे हैं, चलते हैं नीचे, धूप बहुत तेज़ हो रही है। तो फ्रेंड्स, काम ख़त्म, आ गए हम अपने रूम में। काम तो कभी किसी का ख़त्म ही नहीं हो सकता, बस इंसान थोड़ा सा समय निकाल के बैठ जाता है, थोड़ा सा आराम दे लेता है, बट काम कभी नहीं ख़त्म होता, अगर करो तो बहुत काम, ना करो तो कुछ नहीं। सो रूम में आए तो पतिदेव हो गए गायब, पता नहीं कहाँ चले गए, बता के नहीं गए, और नीचे आए तो देखा थे ही नहीं, तो बाबूलाल हमारे अकेले पड़े सो रहे थे। मेरी आँख बहुत खुजा रही है ये वाली, पता नहीं क्या हो गया, बहुत ज़्यादा खुजा रही है, लग रहा है आँखें दिखानी, चेक करवानी पड़ेगी, चश्मा ना लग जाए, सर मुझे बुलाएंगे, चश्मो दिए बार बार बजाए भी। सो पतिदेव आ जाएं, फिर पूछते हैं कि क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, क्योंकि आज तो है छुट्टी, तो देखते हैं नाश्ते में क्या बनाना होगा, क्योंकि रोज़ रोज़ तो वही सब्जी, दाल, रोटी, पराठा, रोज़ रोज़ वही खाना, रोज़ रोज़ वही खाना, क्योंकि लंच बॉक्स भी पैक करना होता है, इसलिए पूरा नाश्ता खाने टाइप से बना देते हैं कि लंच बॉक्स भी पैक कर देते हैं, इसकी वजह से हमें पूरा बनाना पड़ता है। बट छुट्टी वाले दिन सोचते हैं कि कुछ ऐसे थोड़ा मोड़ा खा ले, पूरा ना ही बनाए, और फिर दोपहर में कुछ बना लेते हैं, दाल चावल हो गया या कुछ और अलग खाने का मन हुआ, जो भी हो। सो पतिदेव आ जाए तो फिर उसके बाद बनाएंगे नाश्ता, और अभी तो हम थोड़ा सा लेटेंगे क्योंकि मेरी कमर में हो रहा है बहुत पेन। बस बाबूलाल भी हमारे उठ गए और चले गए मोर घूमने, और अब आके करेंगे नाश्ता। उनके पापा ने उनको उल्लू बना के उठाया है कि चलो घूमने चलते हैं, मंदिर चलते हैं, ऐसा ऐसा बोल करके उठाया है, तो उठते ही तुरंत कहने लगे कि चलो मंदिर चलो, तो उनके पापा बोले कि पहले रेडी तो हो जाओ, तो गए हैं उल्लू लाने, और तब तक के लिए सब सब मिलेंगे और आ भी गए। मुँह धो लिया बाबू, दिखाओ
अनु नहीं करोगे? क्यों बता दो, इसमें क्यों नहीं करोगे? बताओ तो क्यों नहीं करोगे, रीज़न तो बताओ। ना ना नहाने का रीज़न बताओ, बताओ बताओ, वरना सब सोचेंगे कि इनका बाबू नहाता ही नहीं है। ज़ोर से बोलो, इसीलिए नहीं नहाओगे, मन नहीं नहाने का। तो इनके दो दिन थोड़ा थोड़ा सा फीवर आ रहा था, बट हमने इनको नहला दिया था फिर भी और इनके तो नहा पता नहीं नहाने की वजह से कि किस वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर आने लगा, और रात में फीवर तेज़ हो जाता है। खैर कल दवाई लेकर आए थे तो पीने, अभी तो कुछ ठीक लग रहे हैं, बस नहाने के लिए मना कर रहे हैं। तो देखते हैं ये नहाएंगी या नहीं। अच्छी अच्छी आ जाती है, मिली चो ना क्यों ना, मिली पुच्चुक मिली पुच्चुक। मेरी बेटी की खांसी आ जाती है। हाँ बेटा, पेड़ पे चिड़िया दिख रही थी। अरे बाप रे, देखे थे आप? हाँ चलो जल्दी से बेडशीट वगैरह जब सब सही करते हैं और फिर देखते हैं मेरे बाबू क्या खाए। हम नीचे ही आ रहे थे, ये बोले मैगी खाना है तो मैगी बनाने लगे। हम इससे ही पूछ रहे थे दादी क्या करी, कह रहा कुछ नहीं। सरप्राइज बनकर तैयार हो गई है मेरी मैगी और मैक्रोनी। बहुत ज़्यादा देखने में हमें लग नहीं रहा है कि टेस्टी बनी है, कुछ कमी सी लग रही है। हम दादी को लेके आ रहे हैं फिर आके खिला रहे हैं, ठीक। पहले जा दादी को दिया नहीं, अब मेरे बाबू खाएंगे आलू के पराठे। क्या खाओगे बाबू? आलू। आलू के? आलू के पराठे? आलू के पराठे। अब मेरे बाबू खाएंगे आलू के पराठे, गर्मा गर्म पराठे। मैक्रोनी और मैगी बनवा ली बट खाया नहीं गया इनसे, हैं? खाली बनवा लिए खाया नहीं गया। सो फ्रेंड्स, हो गई है शाम और आज हम घूमने नहीं जाएंगे। हमारे बाबू और दादी और उनके पापा जी तीन लोग जाएंगे घूमने, और चलिए देखते हैं कहाँ जा रहे हैं वो लोग। पापा से शिकायत करते हैं, पैसा फाड़ दी। ये देखो,
हार दिए और इसे करके वहां फेंकने जा रहा था। तो हमने कहा भैया पैसे दे, ये फेंकने जा रहा है, डाटा पैसे डाल दो। जब इसने ले लिया तो भैया वाला हम मान रहे थे, ये वाला भी ले रहा था वो, कि दे दो हमें, पैसे की तमीज है नहीं, पैसा दे दो, पैसे चाहिए। तो वही गया था, क्या करोगे, वही गया था शिकायत कर, कहीं पापा वो चाचा पैसे मांग रहे हैं। चाचा क्यों मांग रहे हैं, ये बताया ना तुमने, चला ही आया पैसे लेके वापस आ गया। सुना था मैंने उनका आने दो, मैं कोई मम्मी शिकायत कर, कहे मांग रहे चाचा पैसे। ये जेल में साइकिल में वो साइकिल बाहर ले चले गए, कोई निकाल ले उनकी जेब में डाल दिया। हाँ दादी ले जा रही घुमाने, जाने पे जल्दी हो क्या, हमें नहीं ले जाओगे, ले जाओ, हम नहीं जा रहे मम्मी, आप जाइए। देखो एक पैर में चप्पल, दूसरी एक में दूसरी, होश नहीं है बिल्कुल, ये कर क्या रहा है, बस घूमने को मिल जाए, एक जैसी चप्पल पहनो ना, देखो कह रहा नहीं वीव। आंटी को अपनी ले जा रहे, हमें नहीं ले जा रहे, तुम काहे बैठा ले, क्या खाए थे मुंह में लगाए हो सब, मुंह पूछो, नहीं चाय पिए थे बस, नहीं रुमाल लिए, अनुजी आ रही इनके, ठीक अनुजी पूछवा लेना, ठीक हमें बदमाशी नहीं करना, ठीक है, पंडित जी से कहना पंडित जी नमस्ते, ठीक बाय बाय। सो फ्रेंड्स चल दिए हम खाना बनाने, और आज बनाएंगे खाली दाल चावल और आलू की भुजिया, आलू की भुजिया क्या बॉयल आलू की भुजिया आज बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मम्मी और भैया जी गए हैं मार्केट, क्योंकि कल है नवरात्र, पहला नवरात्र, तो पूजा पाठ का सामान वगैरह सब लेने गए हैं तैयारी के लिए, और मंदिर से व्यू और व्यू के पापा और दादी जी तीनों लोग गए थे, तो मंदिर से वो लोग वापस आ गए हैं, और अब व्यू के पापा और व्यू घर में है, व्यू बाहर है सामने वाली मंदिर पे, और व्यू के पापा घर में, व्यू के पापा नहाने जा रहे हैं क्योंकि आज जाना है दिया जलाने, और हम जा रहे हैं फटाफट से खाना बनाने। तो फ्रेंड्स काम ख़त्म, खाना पीना बन चुका, और अब हमारे व्यू खाएंगे खाना, सारा काम हो गया, खाना भी बन गया, बर्तन भी धुल गया, और मम्मी जी अभी तक नहीं आई है मार्केट से, तो व्यू के पापा ने खाना खा लिया, अब व्यू खाने जा रहे हैं, देखते हैं मम्मी कै बजे आती हैं, तो बहुत लेट भी हो गया है, 9 बज गई है। तो इस वीडियो को करते यहीं पे एंड, आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, एंड चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, हरिओम।